हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी, बूंदी का कढ़ी। तो यहाँ पे मैंने बूंदी ले लिया है, ये 2 कटोरी के लगभग है। और यहाँ पे मैंने लिया है मेथी और ये खड़ा धनिया, सरसों और ये दालचीनी है छोटा छोटा 2, और एक बड़ा इलायचा है, जीरा है, सौंफ है, मेथी दाना है, करी पत्ता है, खड़ा लाल मिर्च है और तेज पत्ता है। और यहाँ पे मैंने एक प्याज को काट लिया है। तो अब मैं बनाने जाऊँगी कढ़ी। और यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है, तो बेसन को मैं इस जार में डालकर और थोड़ा सा दही डालूँगी, कम से कम 3 से 4 कटोरी, छोटी कटोरी में। और फिर मैं बताती हूँ। तो दही मैंने ले लिया है, अब मैं इसमें बेसन ऐड कर दूंगी थोड़ा सा। एक से 1.5 कटोरी के लमसम है बेसन। और अब मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, तो मैंने यहाँ पे जार में धनिया पाउडर डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और स्वाद अनुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो अब मैं इसे ग्राइंडर में एक बार चला लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे चला ली हूँ सब मिक्स कर। अब इसमें हल्दी डालना मैं भूल गई थी, तो मैं भी इसमें ऐड कर दूँगी। जब मैं बघारा लगाऊँगी तो फिर मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे कढ़ाई मेरा हो गया है, अब इसमें मैं तेल डाल देती हूँ। तो मैंने तेल डाल दिया है इसमें, अब एक एक करके मैं ये सब मसाला डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये सरसों डाला है, जीरा, दालचीनी, सौंफ, सारा मसाला मैं इसी तरह डाल देती हूँ। प्याज थोड़ा लाल हो जाएगा तब मैं इसमें ये बेसन फिटा हुआ डाल दूंगी। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें भून गई थी, तो थोड़ा सा हल्दी मैंने डाल दिया है। मैं इसे भी चला लेती हूँ। बूंदी की कढ़ी बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरह से बनाएंगे तो, और चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है कढ़ी। तो ये मेरा प्याज हो गया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये फिटा हुआ बेसन। नमक को भी इसमें ऐड कर दूँगी। पानी भी थोड़ा सा डालूंगी इसमें, क्योंकि ये भी चलाएंगे तो ये पतला हो जाएगा। मैं एक तरफ चावल चढ़ा देती हूँ।
अब इसमें हल्का सा ढक देती हूँ कि जल्दी उबाल आ जाए, और ढक के छोड़ना मत क्योंकि तुरंत उबाल आता है कढ़ी में तो बाहर गिरने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैं ये चावल को धो लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे जो बूंदी फुला कर रखी थी अब इसे मैं डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये कसूरी मेथी ले लिया है, अब इसे मैं कढ़ी में डाल दूंगी रफ करके। तो कढ़ी मेरा अच्छे से उबल गया है, अब मैं इसमें ये बूंदी डाल देती हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है बूंदी कढ़ी। चिपका है नीचे में और ना ही जला है, और ये बनकर रेडी हो गया है बूंदी कढ़ी। तो यहाँ पर ये कढ़ी बन गया है, अब मैं इसमें तड़का लगा दूंगी। और कढ़ी में बाद में तड़का लगाने में बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, कलर इसका देखिएगा। मैं इसमें तड़का लगा दूंगी।
देखिए कितना अच्छा कलर आ गया कढ़ी का। हाँ लगा दो, देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आप भी बनाएं इस तरह से कढ़ी, और तो इस तरह से आप भी कढ़ी बनाएं। चावल रेडी हो गया है बनकर, अभी को अगर मेरे आज का ये डिनर रेडी है कढ़ी चावल। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरे दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके में आ जाए। और प्लीज़ सपोर्ट करें गाइस, तो मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करें और लाइक करें। तो आज का ये डिनर तैयार है, क्योंकि आज मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो आज चावल और कढ़ी बस बनाए हैं। तो कैसे लगा मेरा रेसिपी कढ़ी का, भुनी कढ़ी का? तो अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय।